हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट पीपल के बारे में बताऊंगा अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट। अभी हाल ही में जुलाई 2023 में फोर्ब्स इंडिया के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने भारत के टॉप 5 रिचेस्ट पीपल के बारे में बताया है, जो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा। और इंडिया के जो टॉप 5 रिचेस्ट पीपल हैं, उनकी जो नेटवर्थ है और उनका जो सोर्स ऑफ वेल्थ है, उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप कंप्लीटली डिटेल में उनके बारे में समझ में पाओगे। दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले दोस्तों, मैंने दुनिया के जो टॉप 5 रिचेस्ट पीपल हैं, उनके ऊपर भी कंप्लीटली डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो आप यहां आई बटन में क्लिक करके उनके बारे में जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट पीपल्स के बारे में। फिफ्थ नंबर पे जो सबसे रिचेस्ट है वो है श्रीमती सावित्री जिंदल जी। जी हाँ दोस्तों, इनकी उम्र है 72 ईयर्स और इनकी जो नेटवर्थ है वो है 20 बिलियन यूएस डॉलर। सोर्स ऑफ वेल्थ ओपी जिंदल ग्रुप। सावित्री जिंदल जी जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन एंड एंटरप्रेन्योर हैं, जो होल्ड करती हैं एस्टीम पोजीशन ऑफ एमेरिटस चेयर की एट ओपी जिंदल ग्रुप में। सावित्री देवी जिंदल जी का जन्म 20 मार्च 1940 को हुआ, जो कि एक इंडियन बिजनेस वूमेन एंड पॉलिटिशियन है। वो चेयरपर्सन भी रही हैं ओपी जिंदल ग्रुप के अंदर। दोस्तों, अभी प्रेजेंटली वो प्रेसिडेंट हैं ऑफ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोवा की। जिंदल फैमिली की जो नेट वर्थ है वो है एस्टिमेटेड टू बी 20.5 बिलियन यूएस डॉलर। सावित्री जिंदल जी का जन्म तिनसुकिया असम में एक हिंदू फैमिली में हुआ। बाद में इनकी शादी श्री ओम प्रकाश जिंदल जी से हुई 1970s में, जिन्होंने फाउंड किया था जिंदल ग्रुप ऑफ स्टील एंड पावर कॉन्ग्लोमेरेट को, जो वेरियस डिवीजन ऑफ बिजनेस है वो रन की जाती हैं इनके चार बेटों के द्वारा, जिनका नाम है पृथ्वीराज, सज्जन, रतन एंड नवीन जिंदल। आगे जो JSW स्पोर्ट्स है, जो स्पोर्ट्स डिवीजन ऑफ JSW ग्रुप है, वो ऑपरेट्स की जाती है एज पार्ट ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट, जो कि फैली हुई है इंडिया, USA, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका तक। दोस्तों, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट करना भारत के अंदर एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। फोर्थ नंबर पे इंडिया में जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो है श्री शिव नादर जी। जी हाँ दोस्तों, इनकी एज है 77 ईयर्स और इनकी जो नेटवर्थ है वो है 25.3 बिलियन यूएस डॉलर। जो सोर्स ऑफ वेल्थ है वो है HCL एंटरप्राइज। शिव नादर जी जो कि प्रोप्राइटर हैं ऑफ HCL ग्रुप के, इनका जन्म 14 जुलाई 1945 को हुआ। एक इंडियन बिलियनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। ये फाउंडर एंड चेयरमैन हैं ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज एंड द शिव नादर फाउंडेशन के। शिव नादर जी ने फाउंड किया HCL टेक को मिड 1970s में एंड इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया एक IT हार्डवेयर कंपनी को इनटू ए IT एंटरप्राइज ओवर जो नेक्स्ट 3 डिकेड्स के अंदर। दोस्तों, इनको 2008 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया इनके एफर्ट्स को देखते हुए आईटी इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों, शिव नादर जी का जो निकनेम है इनके फ्रेंड्स के द्वारा वो है मैगस ओल्ड पर्सियन फॉर विजार्ड। सिंस जो मिड 1990s में इन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया दोस्तों, काफी ज्यादा एफर्ट्स किए डेवलप करने के लिए एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया को, इनकी जो शिव नादर फाउंडेशन है उसके द्वारा। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन भी रहे हैं भारत में एंड 50th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड विद एक एस्टिमेटेड नेटवर्थ ऑफUS 30 बिलियन डॉलर के साथ में, जून 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन जुलाई 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये इंडिया के फोर्थ रिचेस्ट पीपल हैं। शिव नादर जी का जन्म मद्रास प्रेजिडेंसी में, जो कि आज प्रेजेंट डे पे थूथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर है, जो इनका जन्म एक तमिल हिंदू फैमिली में हुआ। मिस्टर नादर जी जो कि हाईली रिस्पेक्टेड फिलेंथ्रोपिस्ट है और इन्होंने डोनेट किया 1161 करोड़ रुपीस लेट 2022 के अंदर। दोस्तों, थर्ड नंबर पे जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, आप इनके बारे में जानते होंगे। कोरोना महामारी के अंदर कोविड पेंडेमिक में इनका नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा और इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, इनका नाम है साइरस एस पूनावाला जी,
जी हाँ दोस्तों, इनकी एज है 81 इयर्स और इनकी जो नेटवर्थ है वो है 27.5 बिलियन US डॉलर। जो सोर्स ऑफ वेल्थ है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। साइरस पूनावाला जी जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर है वैक्सीन डेवलपमेंट मामले में विद इन इंडिया और स्टैंड करते हैं एज प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ एक्सपेंडिंग सेल्स एंड अर्निंग थ्रू हिज ओनरशिप ऑफ प्राइवेटली हेल्थ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ओनर है और काफी ज्यादा दोस्तों इनके द्वारा अपने जो इनका बिजनेस है जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसको काफी ज्यादा ग्रो किया गया दोस्तों इनके द्वारा। साइरस एस पूनावाला जी का जन्म 1941 में हुआ जो कि एक इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ साइरस पूनावाला ग्रुप के जो इंक्लूड करता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक इंडियन बायोटेक कंपनी जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड में, पूनावाला फिनकॉर्प जो कि एक लीडिंग एनबीएफसी है इंडिया में। 2022 के अंदर इनकी रैंक फोर्थ रही दोस्तों रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया में जो फोर्ब्स की इंडिया की रिच लिस्ट है उसके मुताबिक, जो कि इनकी नेटवर्थ थी उस समय 24.3 बिलियन US डॉलर और इनकी रैंक वन रही इन हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक। दोस्तों इनके इस मैनेजमेंट के अंदर इनको असिस्ट किया जाता है इनके बेटे आदार पूनावाला जी के द्वारा। जो इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर है पुणे में। जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके पास प्रेस्टीजियस टाइटल है ऑफ बीइंग वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर का। दोस्तों जो वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उसका प्रेस्टीजियस टाइटल है सीरम इंस्टीट्यूट के पास में। जो रिसेंट इंक्रीज हुआ साइरस पूनावाला जी की वेल्थ में वो लार्जली एट्रीब्यूटेड है टू जो वाइड स्प्रेड यूटिलाइजेशन हुआ COVID-19 वैक्सीन का जो कि डेवलप की गई थी बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों सेकेंड नंबर पे जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है भारत के अंदर गौतम अडानी जी, और इनका नाम भी आपने काफी बार सुना ही होगा। दोस्तों इनकी एज है 60 इयर्स और जो इनकी नेटवर्थ है वो है 50.6 बिलियन US डॉलर। जो सोर्स ऑफ वेल्थ है वो है अडानी ग्रुप। गौतम शांतिलाल अडानी जी जो कि एक इंडियन बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है एंड इज रिनाउंड एज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप, एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट जो कि इन्वॉल्व्ड है इन पोर्ट ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट विद इन इंडिया के अंदर। दोस्तों गौतम शांतिलाल अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ जो कि एक इंडियन बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फाउंडर है एंड चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट जो कि इन्वॉल्व्ड है भारत में पोर्ट के डेवलपमेंट्स के लिए एंड ऑपरेशंस के लिए भारत के अंदर। दोस्तों अडानी जी का जन्म 24 जून 1962 को एक गुजराती जैन फैमिली के अंदर हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री शांतिलाल अडानी जी एंड इनकी माता जी का नाम श्रीमती शांताबेन अडानी जी, और इनका जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ दोस्तों गुजरात में। इनके पिताजी जो कि एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे, अडानी फाउंडेशन जिसको एस्टेब्लिश किया गया श्री गौतम अडानी जी के द्वारा 1996 में, और इनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती प्रीति अडानी जी वो अभी सर्विंग चेयरपर्सन है अडानी फाउंडेशन की। जो ग्रुप का बिजनेस इंटरेस्ट है वो इनकम्पास करता है वेरियस सेक्टर्स के अंदर दोस्तों, जिसमें इंक्लूडिंग है पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड ग्रीन एनर्जी। अडानी जी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर के रूप में, एंड ये कंट्रोल करते हैं गुजरात का जो मुंड्रा पोर्ट है जो कि भारत का लार्जेस्ट पोर्ट है वो भी इनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे भारत के अंदर जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है दोस्तों इनका नाम तो आप पिछले कई सालों से सुनते ही आ रहे हैं, इनका नाम है श्री मुकेश अंबानी जी। जी हाँ दोस्तों इनकी एज है 65 इयर्स एंड इनकी जो नेटवर्थ है वो है 98.1 बिलियन US डॉलर। जो कि सोर्स ऑफ वेल्थ है इनका वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मिस्टर मुकेश अंबानी जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चेयरमैन है ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के भारत के अंदर, इंडिया के अंदर वेल्थीएस्ट इंडिविजुअल पर्सन है। मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में हुआ जो कि एक इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन है और अभी करंटली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो कि भारत की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है बाय मार्केट वैल्यू। दोस्तों इनकी जो एस्टिमेटेड नेटवर्थ ऑफ 87.2 बिलियन US डॉलर मई 2023 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये रिचेस्ट पर्सन इन एशिया एंड 13th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड के अंदर रहे हैं। इनको लिस्टेड किया गया एज वन ऑफ द 100 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं वर्ल्ड में
बाय टाइम मैगजीन के द्वारा 2019 में। मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ एक ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी ऑफ एडन में, जो कि प्रेजेंट डे में यमन है, इनटू अ गुजराती हिंदू फैमिली। इनके पिताजी का नाम श्री धीरूभाई अंबानी एंड इनकी माताजी का नाम श्रीमती कोकिलाबेन अंबानी है। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ब्स के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज जो का एक ह्यूज रिवेन्यू है इनका 8 लाख करोड़ रुपीज यानी कि 104 बिलियन यूएस डॉलर का। ये इन्वॉल्व है डाइवर्स सेक्टर्स के अंदर सच एज पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, रिटेल, टेलीकॉम एंड मोर। अंबानी जी के 3 चिल्ड्रन है आकाश, अनंत एंड ईशा अंबानी, और ये एक्टिवली इन्वॉल्व है मैनेज करने में डिफरेंट जो डिविजन्स हैं कॉन्ग्लोमेरेट की, उनको इनके तीनों बच्चों के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इंडिया के जो टॉप 5 रिचेस्ट पीपल हैं उनके बारे में कंप्लीटली डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।